डिप्रेशन एंजाइटी बस में सफर करते हुए, इसके बारे में मैं आज आपसे बातचीत करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळेकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसनमुक्ति रंग महाराष्ट्र में मुंबई पुणे अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत, यह हमारा संकल्प है। हमारे कॉमेंट्स में एक व्यक्ति ने पूछा कि उसको जो प्रॉब्लम्स है, मैंने चलो उसके बारे में वीडियो बनाते हैं। उनको ये प्रॉब्लम है कि उनका सिर बहुत भारी भारी रहता है, हमेशा घबराहट रहती है, सब दिमाग भिन्न हो जाता है, सुन्न हो जाता है, और उनको डर लगता है बहुत बस में जाने का, और बस से वो सफ़र ट्रैवल नहीं कर सकते। उनको ऐसे क्राउडेड प्लेस में भी उनको लगता है कि मैं अकेला हूँ और कुछ तो भी हो जाएगा, भीड़ में भी उनको लगता है कि अपन अकेले हैं, और उनको अकेलेपन का बहुत ही विचार बार बार आते रहता है, घबराहट बहुत है, नींद रात को नहीं आती, पेट में पचन नहीं होता, मतलब पेट फुला फुला सा रहता है, पचन नहीं होता है, और फिर दिमाग में कंटिन्यूस विचार आते रहते हैं कैसा होगा क्या होगा, मरने के कभी कभी विचार आते हैं, खुदकुशी करने के विचार आते हैं कि मैं खुदकुशी कर लूँ, इसमें कुछ अच्छा होता नहीं। काफ़ी लोगों से उन्होंने ट्रीटमेंट लिया मगर कुछ फ़ायदा हुआ नहीं, होम्योपैथी लिया, आयुर्वेदिक लिया, एलोपैथी लिया, सब पैथीज ले लिया। अब उन्होंने फ़ोन इसलिए किया है कि उनको मेडिसिन नहीं होना है, बोलते कि मैंने मेडिसिन खा के मैं थक चुका हूँ, 6 साल हो गए कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, अब मुझे आपको हिप्नोथेरेपी से ठीक करना है। मतलब ठीक है करेंगे, आपको जब चाहिए हिप्नोथेरेपी तो, क्योंकि उनको मैंने बोला कि भाई और कुछ इन्वेस्टिगेशन कर लो, एक तो थायराइड का टेस्ट कर लो जो उन्होंने किया नहीं था, फिर मैंने बोला सीरम क्रिएटिनिन सोडियम पोटेशियम ये टेस्ट कर लो, और शुगर का टेस्ट कर लो एक बार। फिर उनको वो टेस्ट करने के लिए बोला, वो सब टेस्ट नॉर्मल आ गए। बाद में फिर मैंने उनको बोला ठीक है हरकत नहीं, अभी अपन हिप्नोथेरेपी चालू कर देते हैं। फिर हमने हिप्नोथेरेपी चालू किया, उनको मैंने एक सेशन दिया और मैंने बोला अभी प्रैक्टिस करो 7 दिन घर को, उनको ऑडियो दिया, वीडियो दिया, और उनको बोला प्रैक्टिस करो रोज 4 बार प्रैक्टिस करो, उसके साथ में विजुअलाइजेशन करो, इमेजिनेशन करो कि अपन ठीक हो रहे हैं, अपन अभी सफ़र कर रहे हैं, अभी ट्रैवल अच्छा हो रहा है, बस में ट्रैवल अच्छा हो रहा है, मस्त रिलैक्स है, ऐसा उनको सजेशन देके एक वीडियो और एक ऑडियो उनको स्पेशल बना के दिया मैंने, और उनसे उनको बहुत फ़ायदा होने लगा। धीरे 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 उनका काफ़ी विचार जो है वो कम होने लगा, ट्रैवल के लिए उनको कॉन्फिडेंस आया। और होता क्या है कि ब्रेन को ये नहीं समझता है कि अपन एक्चुअली बस में ट्रैवल कर रहे कि नहीं कर रहे, वो क्या कर रहे थे, घर में बैठे बैठे ट्रैवल कर रहे हैं ऐसे इमेजिन कर रहे थे। उसमें होता क्या है कि ब्रेन को अपन चीटिंग करते हैं, ब्रेन को लगता है कि अपन एक्चुअली ट्रैवल कर रहे हैं, आपको मालूम है कि आप यहाँ बैठे हुए तो इसलिए आप डरते नहीं हो, ब्रेन को लगता है कि डरा होना चाहिए, अपन रिलैक्स है, और ब्रेन को लगता है कि अपन ट्रैवल कर रहे हैं क्योंकि ब्रेन को हम विजुअलाइजेशन दे रहे हैं, उसमें रिलैक्स करना, उधर ब्रेन को टेंशन, यहाँ रिलैक्स, ब्रेन को टेंशन, ऐसा करते करते ब्रेन रिलैक्स हो जाता है और उनको फायदा होने लगा। तो ऐसा यह संभव है, बिना दवाई का भी संभव है। ये जो है ट्रैवल फोबिया या स्पेशली बस में ट्रैवल करने का फोबिया उनको जो था वो एकदम ठीक हो गया, जो इन्होंने 6 साल से पाला पोसा था। तो वीडियो आपको अच्छा लगा जो लोगों को शेयर करो, थैंक यू वेरी मच। हमारा एक ऐप है उसका नाम है डॉक्टर केळेकर, वो ऐप आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं गूगल से, और उसमें चैटिंग कर सकते हैं, उसमें काफ़ी ऑनलाइन कोर्सेज है वो कर सकते हैं, हमारे नंबर यहाँ दिए हुए हैं तो वहाँ वो नंबर पे कॉल करके आप जो भी आपकी क्वेरी है ऑनलाइन कंसल्टेशन करना है वो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। गूगल स्टोर से आप डॉक्टर केळेकर ये नाम का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और ये ऐप में आप फ्री चैटिंग कर सकते हैं, अलग अलग ऑनलाइन कोर्सेस है वो डाउनलोड कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा अपने खुद के लिए फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू।